चना दाल की पूड़ी और खीर बनाने के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहें, यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नमस्कार। आशा मुंडारी रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बिहार का पॉपुलर डिश चना दाल की पूड़ी और खीर बना करके दिखाऊंगी दोस्तों, जो कि यह झारखंडी स्टाइल में बनेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे बनाने के लिए, ये चना दाल है दोस्तों, 250 ग्राम चना का दाल है। इसकी मैं अभी दाल बनाऊंगी, इसको मैं धो लेती हूँ। हम इसे धो लेंगे अच्छे से। दाल अच्छे से मैं धो ली हूँ, इसको बॉयल करूँगी। यहाँ का दाल को डाल देंगे। जिस कटोरी से हम चना की दाल लिए थे, उसी कटोरी से हम डेढ़ कटोरी पानी हम डालेंगे। ऐसा हल्दी का पाउडर डालेंगे। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। गैस ऑन करके हम कुकर चढ़ा दिए हैं। इसमें हम 8-9 सीटी लगाएंगे। जब तक से चना का दाल बॉयल हो रहा है, हम खीर बना लेते हैं। उसके लिए हम 1 kg दूध लिए हैं। खीर के लिए हम 200 ग्राम सोनाचूर चावल लिए हैं। आप जो भी चावल का बना सकते हैं खीर, कोई भी चावल आप ले सकते हैं। ये काजू है, जिसे हम 10-20 काजू ले लिए हैं। ये किशमिश है, वो भी 25-30 किशमिश है जी। हम 3 लिए हैं और चीनी लिए हैं हम, 200 ग्राम से कम है चीनी। दूध चढ़ा दिए हैं देगची में। दूध को बॉईल होते 10 मिनट हो गया, उसे अच्छे से हम उबाल लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे दूध, उसके बाद में हम इसमें चावल धो करके डाल देंगे और इसे हम धीमा आंच में पकाएंगे। दूध में चावल डाल करके हम अच्छे से चला देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अब इसे हम खोल देते हैं और देखते हैं दाल किस तरह से गला है। तो आप देख सकते हैं चना का दाल अच्छे से सीझ गया है, बॉईल हो गया है, ये अच्छे से दब रहा है। तो इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे सारा चना का दाल। चना का दाल को हम इस झंझरे से निकाल लेंगे और इसका पानी उसी में रहने देंगे। चना दाल को हम एक बॉल में निकाल लिए हैं, इसको हम ठंडा होने के लिए देंगे। खीर को हम बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि हमारा खीर अच्छे से बने, वो नीचे चिपके नहीं। अभी और पकेगा। पूड़ी बनाने के लिए हम आटा गूंथ लेते हैं। तो उसके लिए हम आटा ले लिए हैं 500 ग्राम और उसमें हम डाल देंगे रिफाइन ऑयल। तो ये 2 चम्मच रिफाइन ऑयल हम डाल दिए हैं ताकि हमारा पूड़ी जो है वो मुलायम बनेगा और अच्छा बनेगा, क्रिस्पी। तो इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, रिफाइन ऑयल को अच्छे से मिला लेंगे। रिफाइन ऑयल अच्छे से मिला लिए हैं, हम इसमें पानी डाल करके आटा गूंथेंगे। ठंडा पानी लेकर के गूंथना है अच्छे से। तो गूंथ लेंगे दोस्तों, फिर हम आप लोग को दिखाएंगे। आटा अच्छे से गूंथ गया है। यह गेहूं का आटा है, जिसे आप रोटी बना के खाते हैं दोस्तों, वही आटा है। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम इलायची डाल रहे हैं, कूट लिए हैं इसको, और ये तेजपत्ता। चावल बिल्कुल भी पक गया है दोस्तों, देखते हैं हम इसे दबा करके। दब रहा है अच्छे से, पक गया है चावल। अच्छे से पक जाए तब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो हम चीनी डाल देते हैं। चीनी अपने हिसाब से डालिएगा दोस्तों, जितना आपको मिठास चाहिए। चीनी के डालने के साथ में ही
ये काजू और किशमिश को भी हम डाल देंगे इसमें। हम चलाते रहेंगे, बस हम 5 मिनट और पकाएंगे। खीर बन के तैयार है दोस्तों। इसको बनने में आधा घंटा का समय लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी तैयार है। चना दाल बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है, इसको हम एक जार में डाल करके इसको पीस लेंगे। चना दाल इस तरह से पीस गया है, इसको हम बॉल में निकाल लेंगे। करके हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें हम जीरा भुनेंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा घी डाल रहे हैं। गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जीरा, साबुत जीरा है, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे, चला देंगे। सारा जीरा हम जो इधर बनाए हैं, हम चना को मैश करके रखे हैं, इसी में हम डाल देंगे। इसमें स्वाद के अनुसार हम आप नमक इसमें डालिएगा। हम इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च है। अब हम इसको हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गया है, अब हम इसका पूड़ी बनाएंगे। तेल गर्म करने के लिए हम चढ़ा दिए हैं कढ़ाई में, अब हम पूड़ी बेलेंगे। एक कटोरी में हम रिफाइन ऑयल ले लिए हैं, हम आटा का इस तरह से डो लेंगे। अब जितना बड़ा छोटा ले सकते हैं, पूड़ी से थोड़ा सा हम बड़ा डो लेंगे और इस तरह से कटोरी का शेप देंगे। इस तरह से अंगूठे से हम इस तरह से दबाएंगे तो यह कटोरी का आकृति का बन जाएगा। फिर इसमें हम मिक्सचर को भरेंगे, अच्छे से हम मूंद देंगे। इस तरह से हम मूंदेंगे, फाइन ऑयल थोड़ा सा लगा के इसको अच्छे से बेल लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ही पूड़ी बना बना के इस तरह से एक प्लेट में रख लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इस तरह से हम देखेंगे और इसमें एक पूड़ी डाल के देखेंगे। ये अच्छे से गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं गर्म होना चाहिए। रिफाइन ऑयल है दोस्तों यह। इस तरह से हम एक पूड़ी तेल में डाल देंगे, जितना पूड़ी का जगह है दोस्तों हम उतना डालेंगे। और धीरे धीरे डालिएगा दोस्तों, नहीं तो छींटा पड़ेगा आपके ऊपर में। सावधानी से इसे आप तलिएगा, तो इसे हम पलट देंगे। थोड़ा थोड़ा फूल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब इसे हम दूसरी तरफ तलेंगे, पलट देंगे इस तरह से। 1 मिनट में ही इसको हम पलट देंगे। 1 मिनट में यह एक तरफ से सीख जाता है अच्छे से। पूड़ी को हम उलट पलट करते हुए तलेंगे, इस तरह से हम उलट पलट करते हुए तल लेंगे। पूरी सबको निकाल लेंगे, तेल इसके अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से साइड में करके हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से पूरी बन के तैयार है दोस्तों। इस तरह से हम आप लोग को दिखा रहे हैं, ये पूरी इस तरह से बिल्कुल अंदर में भरा हुआ है। ये दाल की पूड़ी और खीर आप लोग को कैसी लगी दोस्तों, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों।
थैंक यू।